जय श्री राम सभी को। आज हम हमारे फैट लॉस का सेकंड डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने एक फैट लॉस का डाइट प्लान बनाया था, लेकिन वो वेजिटेरियंस के लिए था। जो लोग वेजिटेरियन हैं और अपना फैट लॉस करना चाहते हैं खाली डाइट, और जो लोग सप्लीमेंट अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए बनाया था। अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो नो डाउट इतने टाइम में आपका थोड़ा बहुत तो फैट लॉस हो ही होगा। बट अगर चलो नहीं भी हुआ, तो ये सेकेंड पार्ट है। ये बेसिकली नॉन वेज के लिए है, जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं, और या फिर जो लोग मेरे जैसे हैं जिनकी फैमिली में नॉर्मल नहीं चलता, लेकिन बाहर कहीं से अपना अरेंज कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, तो ये डाइट प्लान उनके लिए है। और जो लोग कह रहे थे कि मैं क्या पर्टिकुलरली खाता हूँ अपने कटिंग टाइम में, या जो भी मैं अपने डाइट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता हूँ, तो ये 80% मैं जो भी आपसे डाइट प्लान शेयर करूँगा, ये मेरी पर्सनल डाइट प्लान ही है। बस इसमें फ़र्क ये आता है कि क्वांटिटी का फ़र्क आ जाता है, कि मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के खाता हूँ। और आप लोग अभी स्टार्टिंग में इतना नहीं खा सकते हो, और खाने की ट्राई भी मत करना, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, आपकी बॉडी इतनी अच्छे से डाइजेस्ट कर भी नहीं पाएगी। हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए बॉडी डाइजेस्ट कर जाती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, मैं इस डाइट प्लान के लिए इसलिए इतना श्योर हूँ क्योंकि ये डाइट प्लान मैंने एक बार नहीं बल्कि तीन तीन चार चार बार अपने ऊपर ट्राई करके देखा है। और मैंने मेरे दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको फैट लॉस करना है और अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो ये बेस्ट डाइट प्लान। डाइट प्लान क्या है मतलब, इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको आपकी मसल को प्रिजर्व करके आपकी बॉडी के अंदर से फैट हटा सकती है। तो ये दी बेस्ट डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करने वाला रहा हूँ, और ये मेरा खुद का भी है जो मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी पीना है आपको, और एक एप्पल खाना है। और उसके बाद आप अपना फास्टिंग कार्डियो कर सकते हो। फास्टिंग कार्डियो जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि आपको कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, लाइक आप वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, अगर आप जिम जा सकते हो तो आप ट्रेडमिल, क्रॉसफिट चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, या किसी भी तरीके का आपको अराउंड 1 आवर का आपको एक कार्डियो सेशन तो रखना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग ना अपनी डाइट में सप्लीमेंट वगैरह ऐड नहीं करते हो, तो कुछ ना कुछ आपका है ना, अगर हम सप्लीमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा कोई सोर्स जनरेट करना पड़ता है जिससे आपकी बॉडी में हर समय एक फैट बर्निंग प्रोसेस चलता रहे। तो इसलिए मॉर्निंग में फास्टिंग कार्डियो बेस्ट माना जाता है। सारे फिल्म स्टार्स वगैरह भी इसको करते हैं कि मॉर्निंग में उठते एक अपना बेसिक सी कोई कॉफ़ी वगैरह पी के अपने 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं, उसके बाद ही अपने काम वगैरह पर जाते हैं। और कार्डियो करने के बाद आपकी सेकेंड मील हो सकती है, आपको 6 eggs खाने, जिसके अंदर आपको 4 egg whites खाने हैं, और 2 whole eggs जिसके अंदर आपका योग पार्ट इंक्लूड होगा। और उसके साथ आप वेजीज खा सकते हो। इस वेजीज को आपको दिन में 4 से 5 बार खाना है, तो आप दिन में एक बार में ही इसको बना के रख सकते हो ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। और उसके बाद आपकी लंच के अंदर आप खा सकते हो 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, बॉयल चिकन जिसको बोलते हैं, और उसके साथ आप वही वेजीज का सैलेड, ताकि आपको उसको थोड़ा सा च्यू करने में आसानी हो। या आप लोग उसको हल्दी में बॉईल कर सकते हो, या आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हो, या जिस भी तरीके से चाहो, तो थोड़ा अगर आपको खाने में दिक्कत है तो आप उसके अंदर राइस भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आएगी आपकी प्री वर्कआउट मील, उसके अंदर आप ले सकते हो 30 ग्राम ऑफ ओट्स, और इसको आपको लेना है अपनी वर्कआउट से अराउंड 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले। और इसको आपको मिल्क में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, आप जैसे नॉर्मल ओट्स बनाते हो उसको आप वैसे बनाइए, और इसको बेस्ट प्री वर्कआउट मील आप बोल सकते हो। उसके बाद इवनिंग के अंदर आप अपनी वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपके बॉडी पार्ट होते हैं। देन आपकी पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर आपको एग ऐड करना है, और आप इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि बेसिकली जितना बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो सबसे ज़्यादा करती है आपकी प्री वर्कआउट मील और आपकी पोस्ट वर्कआउट मील पर। मतलब आप अपनी वर्कआउट से पहले क्या खा रहे हो और वर्कआउट से बाद क्या खा रहे हो। जो वर्कआउट से पहले खाते हो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, और जो वर्कआउट के बाद खाते हो वो आपकी बॉडी की रिकवरी देता है। तो इन दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी प्री वर्कआउट मील क्या है और आपकी पोस्ट वर्कआउट मील क्या है। और वर्कआउट के बाद आपको 8 अंडे खाने हैं, 8 अंडों के अंदर से आपको 6 egg whites खाने हैं, और 2 whole eggs खा सकते हो। उसके साथ आप थोड़ा सा कार्ब ऐड कर सकते हो, राइस खा सकते हो, और 1 scoop आप पीनट बटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रात को आपको सोने से पहले आप जो आपकी रात का डिनर जिसको बोलते हैं, उस डिनर के अंदर आप ले सकते हो 250 ग्राम चिकन ले सकते हो, और उसके साथ वही आप सैलेड ले सकते हो। जितना हो सके मिल्क अवॉइड करो अपने कटिंग में। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हटा दो, बट हाँ, अगर आप 3 महीने तक कटिंग कर रहे हो, क्योंकि एक बार आप अपनी बॉडी में से फैट हटा दोगे ना, तो इतनी आसानी से आता भी नहीं। लोगों का क्या बहुत सालों पुराना फैट होता है, इसलिए उसको डिजॉल्व होने में टाइम लगता है। और आपको चिकन खाने के बाद आपको रात को अगेन एक सेशन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक वॉक रात को करके सोइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग भी करते हैं, हमारे तो दिन के 3-3 सेशंस होते हैं, सुबह कार्डियो होता है, इवनिंग में हमारी वर्कआउट होती है, रात को फिर हमारा एक
वॉक होती है, या हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे मेरे घर में डॉग है तो मैं डॉग के साथ घूम लेता हूँ, या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो भी खाते हो ना, अगर आपकी मसल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं कार्ब्स ले रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर, तो मैं कार्ब्स लेने के बाद पोजिंग कर लेता हूँ, वो क्या करती है, जो भी मैं न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ ना, मान लो फैट भी जा रहे हैं या कार्ब्स जा रहे हैं, वो मेरी ब्लड स्ट्रीम से होते हुए मेरी मसल में पहुँच जाती है, वो फैट में इकट्ठा नहीं होती। अगर मैं भी आपको मेरी कंडीशन दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, और अभी मेरे कॉम्पिटिशन से अराउंड 20 डेज अभी भी बचे हुए हैं, अभी 20 दिन और हैं, इसके बाद मेरा कॉम्पिटिशन है। तो जो भी उसकी अपडेट्स होगी मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहता हूँ। ये बेस्ट मील जो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें प्रॉपर, अब आपको इसमें अगर कुछ ऐड करना है ना सप्लीमेंट में, तो आप इसके अंदर मल्टीविटामिन्स ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर ओमेगा 3 ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर लिम्सी ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर B12 ऐड कर सकते हो। जो लोग वेजिटेरियंस है या आप नॉन वेज भी खाते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप 250-300 ग्राम खाओ, बट आई थिंक अगर आप कम खाते हो, 100 ग्राम खा रहे हो, 150 ग्राम खा रहे हो, या पूरे दिन के 6 अंडे खा रहे हो, तो आपको महीने में एक बार B12 का इंजेक्शन तो लगवा ही लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी भी होता है। और वेजिटेरियंस को तो हर कोई रिकमेंड करता है कि आपको हर 2 वीक, हर 15 दिन के अंदर एक B12 का डोज लगवाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, बॉडी की रिकवरी के लिए भी ज़रूरी है और बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको अगर कुछ किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कुछ और आपको चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच।